कांग्रेस ईवीएम को लेकर सतर्क है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विमल सुरारा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है। नोएडा और हैदराबाद से हैकिंग करने वाले इंजीनियर निकले हुए हैं। अहम बात यह है कि चुनाव आयोग के नियमों का पालन स्ट्रांग रूम में नहीं किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा स्ट्रांग रूम की गतिविधियों का स्क्रीन पर सार्वजनिक डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन दंतेवाड़ा में ऐसा नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र सौंपा गया है। इधर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विमल सुराना ने यह भी कहा कि यदि डिस्प्ले नहीं हुआ तो कांग्रेस कमेटी से चर्चा करने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर के प्रदेश कांग्रेस से भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। स्ट्रांग रूम में जो CCTV लगा है उसका प्रदर्शन जो है सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, ताकि आम आदमी वहाँ पर देख सके कि दिन भर में वहाँ पर कौन आना जाना कर रहा है। दूसरा, स्ट्रांग रूम के आसपास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे दंतेवाड़ा के स्ट्रांग रूम में नीचे में एक ऑफिस है जिसमें कंप्यूटर आदि सामान वहाँ पर हैं, तो आज हम लोगों ने उसके लिए भी एक आवेदन दिया है कि उस ऑफिस को हटाया जाए या फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हटाया जाए। और स्ट्रांग रूम में जो CCTV कैमरा लगा है उसके लिए LED या कुछ भी या पर्दा लगा करके सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन किया जाए, इसके बारे में भी आज हम लोगों ने लिख करके दिया है। तीसरा, EVM में किसी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हैकिंग करने की भी संभावना जो है अभिव्यक्त की जा रही है। पेपर के माध्यम से पता चला, प्रदेश कांग्रेस से भी हमें निर्देश प्राप्त हुआ है। कोई टीम जो इंजीनियरों की टीम जो है दिल्ली से और हैदराबाद से यहाँ पर आई है, ऐसा पता चला, घूम रही है, तो उनके द्वारा कोई हैकिंग न किया जाए, इसके बारे में भी हम लोगों ने लिख करके दिया। BSNL की एक टीम जो है नेटवर्क को लेकर के हरियाणा से एक आए हुए हैं, वो यहाँ पर लैपटॉप और उनके उपकरण लेकर के घूम रहे हैं, तो हमने दूरसंचार विभाग में भी जा कर के उनके इंजीनियर से निवेदन किया कि दंतेवाड़ा के आसपास का ये सब काम अभी रोक दिया जाए। और अन्य जो आपके टावर्स हैं उसमें जो नेटवर्क वगैरह देखने का काम किया जाए। CRPF के पूरा जवान तैनात हैं, लगभग 81 जवान वहाँ पर तैनात हैं, जिसमें SI लेवल के अधिकारी भी हैं और उनके जवान भी तैनात हैं। दो कंपनी सर CRPF की वहाँ तैनात है? एक कंपनी को। एक कंपनी सर, कितने घेरे में सुरक्षा लेयर रखी गई है स्ट्रांग रूम की? तीन लेयर में सुरक्षा रखी गई है और 3 लेयर रह गए, तो वहाँ किसी प्रकार का छेड़छाड़ संभव नहीं हो? बिल्कुल संभव नहीं है, किसी प्रकार का छेड़छाड़ की संभावना बिल्कुल नहीं।